Students, today we will do a topic that is quantitative analysis of compounds. In this topic, we will find out the mass or percentage of elements. We will find out the mass or percentage of elements in compounds. Okay. So, for example, I will give you suppose I am having an organic compound. And this organic compound contains two elements, carbon and hydrogen. Which two elements? Carbon and hydrogen. So what is the mass of carbon in this? What is the mass of hydrogen in this? Or you can say, what is the percentage of carbon in this? And what is the percentage of hydrogen? This we want to calculate in this topic. तो in the short हम ये कहेंगे कि किसी भी compound के अंदर जो element है उनकी percentage कैसे निकालते हैं, ठीक है? और यहाँ पर हम पहले ये identify करेंगे कि आपके compound में कौन-कौन से elements हैं, क्योंकि हमें ये भी present करना है, test करना है कि element कौन सा है। तो इसको हम percentage composition वाला topic ना मान के चलें। यहाँ पर इससे simple clear का topic कि आपको compound के अंदर जो element present है उनकी मास या परसेंटेज निकालनी है। कैसे निकालेंगे? जस्ट सी आउट। सो क्वालिटेटिव एनालिसिस इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। इसको शॉर्ट में क्या लिखेंगे? वी विल राइट दैट इट इज द एस्टिमेशन ऑफ एलिमेंट्स इन द कंपाउंड। एस्टिमेशन ऑफ एलिमेंट्स इन द कंपाउंड। मैं आपको एक एग्जांपल दूंगा, डिस्कस विद वन एग्जांपल, क्योंकि बेटा ये जो टॉपिक है ये न्यूमेरिकल रिलेटेड टॉपिक है, इसमें डायरेक्टली आपको फॉर्मूले लर्न करने हैं, ठीक है? सम फॉर्मूलेस, बट एक हिंट है जो हम जरूर करेंगे सो दैट हमें फॉर्मूले लर्न करने में दिक्कत ना हो। सो हाउ टू डू इट नाउ, जस्ट सी द होल प्रोसेस। हमारे जो एलिमेंट प्रेजेंट है कंपाउंड के अंदर, हमें टेस्ट किस किस के लिए करना है या किस किस का मास या परसेंटेज कैलकुलेट करनी है? कार्बन, हाइड्रोजन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, सल्फर एंड फास्फोरस। किसका टेस्ट करना बेटा? कार्बन, हाइड्रोजन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, सल्फर एंड फास्फोरस। सो हमें इन एलिमेंट्स का फाइंड आउट करना है आइदर मास और परसेंटेज। तो कैसे करेंगे? देखिए मैं प्रॉपर टेबल आपको बता रहा हूं जस्ट, और उसी को बेटा आपको लर्न करना है। आई स्टार्ट फ्रॉम हियर एलिमेंट कार्बन। एलिमेंट कन्वर्टेड इनटू कंपाउंड। ये प्रोसेस जो है बेटा, ये मेथड एक पर्टिकुलर प्रोसेस पे डिपेंड है जिसमें आप अपने एलिमेंट को एक दूसरे कंपाउंड में कन्वर्ट करते हो। फॉर एग्जांपल, अगर हमें कार्बन का मास फाइंड आउट करना है तो कार्बन को कन्वर्ट करना होगा CO2 में, क्लियर? सिमिलरली अगर हाइड्रोजन का मास या परसेंटेज फाइंड आउट करना है तो इसे कन्वर्ट करना होगा वाटर के अंदर। सिमिलर क्लोरीन इज कन्वर्टेड इंटू AgCl, Br इज कन्वर्टेड इंटू AgBr, आयोडीन इज कन्वर्टेड इंटू AgI, सल्फर इज कन्वर्टेड इनटू BaSO4, फास्फोरस के लिए हमारे पास दो मेथड है, तो फास्फोरस इज कन्वर्टेड इनटू आइदर Mg2P2O7, दैट इज सेड टू बी मैग्नीशियम पायरोफॉस्फेट, एंड वन मोर NH4 Twice PO4 0.12 MOO3 अमोनियम फॉस्फोमोलिब्डेट। अमोनियम दिस इज फॉर NH3, फॉस्फो मोलिब्डेट फॉर MOO3 मोलिब्डेट। तो सबसे पहले आपको लर्न क्या करना है? यू हैव टू लर्न कि आप अपने एलिमेंट को जो एक कंपाउंड में प्रेजेंट है उसको किस में कन्वर्ट करते हैं सो दैट हम उस एलिमेंट का मास या परसेंटेज निकाल सके। सो इन योर सिलेबस आपका इनका गिवन है, दीज आर टोटल 1 2 3 4
सिक्स एंड सेवन एलिमेंट्स। सो कार्बन का कभी भी आपको कंपाउंड के अंदर अगर कार्बन प्रेजेंट है और उसकी मास या परसेंटेज निकालनी है तो यू हैव टू कन्वर्ट द कार्बन इनटू CO2 बाय एनी ऑफ द टेस्ट। जैसे कार्बन को CO2 में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं, बाय द रिएक्शन ऑफ ऑक्सीजन, हमें प्रोसेस नहीं करना है, हमें सिर्फ यहाँ पे फॉर्मूले फाइंड आउट करने हैं। सिमिलरली हाइड्रोजन इज कन्वर्टेड इनटू वाटर, क्लोरीन को कन्वर्ट करेंगे AgCl में, ब्रोमीन को कन्वर्ट करोगे AgBr में, आयोडीन इज कन्वर्टेड इनटू AgI, सल्फर इज कन्वर्टेड इनटू BSO4 और फास्फोरस के लिए हमारे पास दो अलग अलग है, ठीक है ना। सो अब ये हो गया फर्स्ट स्टेप हमारा, इसमें ये लास्ट में दो कंपाउंड जो है ये थोड़ा बड़ा है, इट्स अ बिग वन। तो अमोनियम फॉस्फोमोलिब्डेट को अमोनियम फॉस्फोमोलिब्डेट APM हम नोट कर सकते हैं, और मैग्नीशियम पायरोफॉस्फेट MPP, ठीक है। अब बिफोर आई गो इन द डिटेल मैं आपको एक एग्जांपल समझाता हूँ। सपोज आपके ऑर्गेनिक कंपाउंड में, ध्यान से देखना बेटा, कौन सा एलिमेंट है, कार्बन। ऑर्गेनिक कंपाउंड, दिस इज द ऑर्गेनिक कंपाउंड, इट कंटेन द एलिमेंट कार्बन। तो मैं बेटा इसे अगर कॉपर ऑक्साइड की प्रेजेंस में हीट करूं, दिस इज जस्ट टू यू कैन से क्लियर द डेटा, लर्न नहीं करना है, जस्ट फॉर द क्लियर, कि आपको डेटा क्लियर हो जाए, अदरवाइज लर्निंग की जो टेबल बनेगी दैट यू हैव टू लर्न। तो अगर मैं कॉपर ऑक्साइड में हीट करूं तो कार्बन ऑक्सीजन से मिलकर क्या बनाएगा, CO2। तो सारा का सारा कार्बन किसमें कन्वर्ट हो गया, CO2। और आपको पता है कि CO2 से फिर मैं कार्बन का मास या परसेंटेज निकाल सकता हूं, कैसा, देखो ये CO2 और इसके अंदर C है कार्बन, तो CO2 का मास कितना है बेटा, 44 ग्राम CO2, इसमें कार्बन कितना है, 12 ग्राम कार्बन, गॉट इट। चलिए अगर 1 ग्राम CO2 हो प्रोसेस में, क्या बना CO2, सपोज 1 ग्राम CO2 बनती है, देन 12 अपॉन 44 ग्राम ऑफ कार्बन इज प्रेजेंट। अब CO2 कितनी बनती है, मान के चलो कि x ग्राम CO2 बनी, हाउ मच CO2 इज फॉर्मड, x ग्राम, तो x ग्राम अगर CO2 बनती है, सो दिस विल बी 12 अपॉन 44 इनटू, मैं क्या लिखूं बेटा, x, और x क्या है आपका, मास ऑफ CO2 फॉर्मड, क्लियर हुआ। और ये आपकी CO2 किससे बनी है, ऑर्गेनिक कंपाउंड से, ऑर्गेनिक कंपाउंड का मास क्या मान के चले, y ग्राम, सो फ्रॉम y ग्राम ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, तो फॉर्मूला क्या होगा बेटा, 12 अपॉन 44 इनटू x अपॉन y, x क्या है आपका, मास ऑफ CO2, अभी यहां पे लिख रहा हूं दोबारा से, x इज मास ऑफ CO2, y इज मास ऑफ कंपाउंड इनटू 100, तो ये फॉर्मूला किसका आया, परसेंटेज का आया, पॉइंट क्लियर हुआ अच्छी तरह से। तो हमें डायरेक्टली लास्ट के दो फॉर्मूले पे काम करना है, जिसमें एक में तो हमने क्या निकाला कि कार्बन कितने ग्राम है, सेकंड परसेंटेज। अब मैं आपको बता रहा हूं डायरेक्ट फॉर्मूला कैसे लिखना है, ठीक है, एक केस में डायरेक्ट फॉर्मूला चेक करते हैं। फॉर्मूला आ गया हमारे पास, तो मैं फॉर्मूला को रहने देता हूं, देखिए डायरेक्ट फॉर्मूला कैसे लिखेंगे। आपको लिखना है मास ऑफ कार्बन का फॉर्मूला, गॉट इट नाउ। तो ये सारा मिटा देते हैं बेटा यहां से, जो नेक्स्ट कॉलम आएगा दैट इज फॉर द मास ऑफ एलिमेंट्स। अब बड़े ध्यान से करना है, क्लियर, समझ में आएगा तो एटलीस्ट आपको समराइज करने में थोड़ा प्रॉब्लम नहीं आएगी, दैट यू हैव टू रिमेंबर। हाँ जी, CO2 के अंदर, इस CO2 में कार्बन कितना है, 12 ग्राम, सो यू विल राइट फॉर्मूला मास ऑफ कार्बन इक्वल टू, कंपाउंड के अंदर आपका एलिमेंट कितना है, 12 अपॉन, इस CO2 का मॉलिक्यूलर मास 44 मल्टीप्लाई जितना CO2 बनेगा यहां पे, मास ऑफ CO2 फॉर्मड, पॉइंट क्लियर, मास ऑफ CO2 फॉर्मड। सिमिलरली हमें सबका करना है, आई विल राइट इसको थोड़ा इधर लिख लेते हैं, स्पेस का इश्यू बनेगा, ठीक है। ये कॉलम यहां से शुरू कर लेते हैं इस तरह से, फ्रॉम मास ऑफ कार्बन इज
12 अपॉन 44 इनटू मास ऑफ CO2 फॉर्म्ड। बिल्कुल सिंपल, कोई इशू नहीं। चलिए लेट्स सी नाउ, अब हाइड्रोजन का बताइए कैसे आएगा। द मास ऑफ हाइड्रोजन कंपाउंड में देखिए, आपने हाइड्रोजन को किसमें कन्वर्ट किया, वाटर में, तो वाटर में हाइड्रोजन कितना है 2 ग्राम, वाटर का मास 18 इनटू मास ऑफ वाटर फॉर्म्ड। आई थिंक थोड़ा बहुत समझ में आने लग गया होगा हाउ टू डू इट नाउ। चलिए नाउ लेट्स कंप्लीट। मास ऑफ क्लोरीन, AgCl में क्लोरीन कितना है बेटा 35.5, क्लियर टू ऑल ऑफ यू। और AgCl का जो मास होगा, दैट इज द मास ऑफ AgCl 143.5 इनटू मास ऑफ AgCl फॉर्म्ड। सिमिलरली मास ऑफ ब्रोमीन, बेटा AgBr में ब्रोमीन कितना है 80, और AgBr का जो मास आएगा 108 प्लस 80 188 इनटू मास ऑफ AgBr फॉर्म्ड। सिमिलरली आयोडीन, मास ऑफ आयोडीन, AgI में आयोडीन 127 है, और AgI का जो कंप्लीट मास आएगा दैट कम्स आउट टू बी 235, कितना आएगा बेटा ये 235, क्लियर। सिल्वर 108, आयोडीन 127, 235 मल्टीप्लाई मास ऑफ AgI फॉर्म्ड। नाउ फॉर सल्फर, मास ऑफ सल्फर, BSO4 में सल्फर का मास कितना है बेटा 32, BSO4 का मास 233 इनटू मास ऑफ BSO4, क्लियर। नाउ मास ऑफ फास्फोरस, पहले इससे करेंगे मैग्नीशियम पायरोफॉस्फेट, इसमें देखो P2 है तो फास्फोरस का चॉइस 31 इनटू 2 62, दो फास्फोरस है देयरफॉर 62 अपॉन कंप्लीट का मास लर्न कीजिए 222 ये डायरेक्ट लर्न कीजिए क्योंकि बड़े कंपाउंड है इनको फिर बाद में वी डोंट हैव द टाइम इन द पेपर कि हम कंप्लीट करें, इनटू मास ऑफ Mg2P2O7 फॉर्म्ड। नाउ लास्ट वन फास्फोरस, बेटा अमोनियम फॉस्फोमोलिब्डेट में सिंगल फास्फोरस है 32 अपॉन इस पूरे का मास 1877 इनटू मास ऑफ अमोनियम 4 मोलिब्डेट फॉर्म्ड। तो ये हमने क्या कैलकुलेट किया, दिस वी हैव कैलकुलेटेड वाटर मास ऑफ एलिमेंट्स। नाउ द नेक्स्ट स्टेप, हाउ कैन वी कैलकुलेट द परसेंटेज, द थिंग दैट यू हैव टू रिमेंबर, जो आपको लर्न करना है फिर से बता रहा हूं। अगर आपके कंपाउंड को CO2 में कन्वर्ट किया गया है तो उसमें कौन सा एलिमेंट होगा, कार्बन। वाटर में कन्वर्ट किया गया है हाइड्रोजन, AgCl में कन्वर्ट किया गया है क्लोरीन, AgBr में कन्वर्ट किया गया है ब्रोमीन, AgI में कन्वर्ट किया गया आयोडीन, BSO4 में कन्वर्ट किया गया सल्फर, मैग्नीशियम पायरोफॉस्फेट में कन्वर्ट किया गया फास्फोरस, और अमोनियम फॉस्फोमोलिब्डेट में कन्वर्ट किया गया देन आल्सो फास्फोरस, क्लियर। नाउ अब मास ऑफ द सॉरी परसेंटेज ऑफ एलिमेंट, बड़ा सिंपल है, परसेंटेज ऑफ एलिमेंट्स बस दो चीजें ऐड करनी है, परसेंटेज ऑफ कार्बन इज इक्वल टू सेम एज टू द राइट 12 अपॉन 44 इनटू मास ऑफ CO2, बेटा इसको डिवाइड कर दीजिए मास ऑफ कंपाउंड से जो स्टार्टिंग में लिया था और मल्टीप्लाई कर दो 100 से, हर एक में यही करना है, किससे डिवाइड करना है मास ऑफ कंपाउंड और मल्टीप्लाई किससे करना है 100 से। सिमिलरली परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन क्या बनेगा 2 अपॉन 18 इनटू मास ऑफ वाटर फॉर्म्ड अपॉन
मास ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड इनटू 100। सिमिलरली परसेंटेज ऑफ क्लोरीन द फॉर्मूला इज 35.5 अपॉन 143.5 इनटू मास ऑफ AgCl अपॉन, बेटा वही अगेन द सेम मास ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड इनटू 100 परसेंटेज। सब में सेम मेथड है, एवरीथिंग यू विल डिवाइड बाय मास ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड मल्टीप्लाइड बाय 100। सिमिलरली परसेंटेज ऑफ ब्रोमीन विल बी Ag अपॉन 188 इनटू मास ऑफ AgBr अपॉन मास ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड इनटू 100%। सिमिलरली परसेंटेज ऑफ आयोडीन द फॉर्मूला इज 127 अपॉन बेटा 235 मल्टीप्लाइड बाय मास ऑफ AgI अपॉन मास ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड इनटू 100%। सिमिलरली If you go with percentage of sulfur, then it will be 32 upon 233 into mass of BSO4 upon mass of organic compound into 100%. Similarly, यहाँ पर भी कर सकते हैं, last में we are having the less much of the space, तो थोड़ा space create कर लेते हैं। यहीं पर बता देते हैं बेटा कि यहां पर अगर आपको परसेंटेज ऑफ फास्फोरस कैलकुलेट करना है, देन इट विल बी यहां पे फास्फोरस कितना था 62 अपॉन Mg2P2O7 ट्रिपल 2 इनटू मास ऑफ Mg2P2O7 फॉर्म्ड अपॉन मास ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड इनटू 100%। सिमिलरली लास्ट परसेंटेज ऑफ फास्फोरस, यहाँ पे फास्फोरस सिंगल है 31 अपॉन 1877 इनटू मास ऑफ फास्फो अमोनियम फास्फो मॉलिब्डेट NH4 थ्राइस PO4 .M.12 MOO3 अपॉन मास ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड इनटू 100%। सो बिल्कुल सिंपल है बेटा, मास ऑफ कंपाउंड एलिमेंट को मास ऑफ कंपाउंड से डिवाइड करके 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो डायरेक्टली क्या आएगी आपकी परसेंटेज। तो ये चीज मैं एक बार फिर से बता रहा हूं कि अगर आपके कंपाउंड में कार्बन है तो उसको टेस्ट करने के लिए दैट हैज टू बी कन्वर्टेड इनटू CO2। CO2 से उसका मास और परसेंटेज दोनों कैलकुलेट की जा सकते हैं। So hydrogen is converted into water, chlorine is converted into AgCl, bromine is converted into AgBr, iodine is converted into AgI, sulfur is converted into BSO4 and phosphorus is converted into magnesium pyrophosphate or ammonium phosphomolybdate. Now we'll do the numericals now. So I'll rub out this one, formula rehne dete hain percentage ke, we'll do the numericals. दिस नाउ, सो ये बेटा हमारे फॉर्मूले मैंने छोड़ दिए हैं फॉर दिस वन नाउ चलिएगा। सो विल दो टाइप के न्यूमेरिकल्स है, आइदर वी कैलकुलेट परसेंटेज ऑफ एलिमेंट और वी कैलकुलेट मास ऑफ एलिमेंट्स, एनी वन थिंग यू कैन कैलकुलेट। सो आई स्टार्ट विद क्वेश्चन नंबर वन। द क्वेश्चन नंबर वन इज 0.12 ग्राम ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड गिव 0.22 ग्राम मैग्नीशियम पाइरोफॉस्फेट Mg2P2O7 कैलकुलेट परसेंटेज ऑफ फॉस्फोरस सॉल्यूशन। सो व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर द परसेंटेज ऑफ फॉस्फोरस,
परसेंटेज ऑफ फॉस्फोरस इज 62/222 मल्टीप्लाइड मास ऑफ Mg2P2O7 अपॉन मास ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड इन 200. सो दिस विल बी 62/222. बेटा हाउ मच Mg2P2O7 फॉर्म्ड? 0.22. कंपाउंड वी हैव 0.12 इन 200. व्हेन यू सॉल्व दिस कंप्लीटली यू विल गेट द आंसर 51.20%. So the numericals are directly formula based, you have to understand. Now question number 2. What is the question number 2? 0.157 gram organic compound gave 0.4813 gram of BaSO4. Calculate the percentage of sulfur. Sulfur की percentage calculate करनी है. So formula लिखिए. Percentage of sulfur is 32/233 into mass of BSO4 upon mass of organic compound in 200. Just put the values. 32/233 multiplied. BSO4 is 0.4813 and organic compound is 0.157 multiplied by 100. On complete multiplication and division, you will get the answer, that is 42.10%. Clear? Now question number 3. Question number 3 says that 0.15 gram of organic compound gave 0.12 gram AgBr. Calculate the percentage of bromine. किसके percentage निकालनी है? Bromine के निकालनी है. So formula write down solution. Percentage of bromine. Where it is 80/188 into mass of AgBr upon mass of organic compound in 200. So 80/188 into AgBr is 0.12 and this one is 0.15 multiplied by 100. When you solve completely, you will get the answer 34.04%. Question number 3 is clear to all of you now. One more and the last, we will try for percentage. Question number 4. He says that 0.189 gram organic compound gave 0.287 gram AgCl. Calculate percentage of chlorine. So just write down the formula. Percentage of chlorine, this is 35.5/143.5 into mass of AgCl upon mass of organic compound in 200. Put the values 35.5/143.5 into mass of AgCl 0.287 upon organic compound 0.189 in 200. You will get the answer that comes out to be 37.57%. So, ye beta, aapne kya calculate ki percentage? We can calculate the mass of element also.
So two questions we will do on mass of elements. So question number one, this we have done. Now we are doing this one. Question number one. Organic compound gives 88 gram of CO2. Calculate the mass of कार्बन यूनिट. सो बेटा परसेंटेज ऑफ मास में क्या डिफरेंस है? अगर आप ये मास ऑफ कंपाउंड हटा देंगे और ये 100 यहां से हटा देंगे तो ये फॉर्मूला किसका बनेगा? मास, मैंने बताया था आपको सर, क्लियर. सो मास ऑफ कार्बन इज 12/44 इनटू मास ऑफ CO2. सो दिस विल बी 12/44 इनटू मास ऑफ CO2 इज 88 2, that is 24 gram of carbon. Understand? So अगर इन सभी में से मैं ये हटा दूँ यहाँ से, देखिए, ये मैंने mass of organic compound हटा दिया, percentage हटा दिया, सभी में से हटा के, let's take 1 minute. This one. This one. सभी से हटा दिया, in all the cases. तो अब ये जो आपके फॉर्मूले बने सारे के सारे, all these are the formulas for mass, not for the percentage. तो सभी से percentage हटा लेते हैं and directly we will write all these are the formulas for mass. This is mass of hydrogen, mass of chlorine, mass of bromine, iodine. Sulfur, mass of phosphorus. So you have to learn these formulas. These are very important. We'll try one more in the last question based on this now. Question number two, on the basis of calculation of mass of elements, organic compound gives 36 gram of water. Calculate the mass of hydrogen solution. So mass of hydrogen, the formula is 2/18 into mass of water. So this will be better, 2/18 into 36. So 18 to the 36, this comes out to be 4 gram. So beta, this all what we have done, we have simply calculated the mass or percentage of the element, and especially हमें जो learn करना है आज, आपको formulas मैंने बताया है कैसे बनेंगे, ठीक है. और उससे भी जरूरी चीज, we have to learn कि आपके element को किसमें convert किया गया. Carbon is converted into CO2. Hydrogen is converted into water. Chlorine is converted into 35 AgCl. Bromine is converted into AgBr. Iodine is converted into AgI. Sulfur is converted into BaSO4. Phosphorus is converted into magnesium pyrophosphate or ammonium phosphomolybdate. यहीं से आप इन एलिमेंट्स की मास और परसेंटेज फाइंड आउट कर सकते हैं. सो अब थोड़ा मैं टाइम लूंगा कि ये टॉपिक मैंने यहाँ पे करा है. व्हेन वी डू द ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, तो हम इन डेरिवेशंस को करेंगे, मेथड्स को करेंगे. बट एज फार एज चैप्टर वन इज कंसर्न्ड, वी हैव टू डू द एम्पिरिकल फॉर्मूला एंड मॉलिक्यूलर फॉर्मूला. और एम्पिरिकल और मॉलिक्यूलर फॉर्मूला में जो वेरी फर्स्ट स्टेप है कि आपको आपके कंपाउंड्स के अंदर जो एलिमेंट्स हैं उनका मास या परसेंटेज पता होना चाहिए. तो उसके लिए वी हैव डन द टॉपिक सो दैट वी कैन फाइंड आउट द मास और परसेंटेज ऑफ एलिमेंट्स. सो दिस इज, यू कैन से वी हैव डन फॉर कैलकुलेटिंग मास और परसेंटेज ऑफ एलिमेंट, बिकॉज देर इज अ टॉपिक एम्पिरिकल फॉर्मूला and molecular formula. The next topic, in this topic the first step
द फर्स्ट स्टेप इज आइदर आई नीड मास और परसेंटेज ऑफ एलिमेंट. सो दिस इज यू कैन से दिस टॉपिक इज द बेसिस ऑफ इंपेरिकल फॉर्मूला एंड मॉलिकुलर फॉर्मूला. इसके बगैर हम इंपेरिकल मॉलिकुलर फॉर्मूला सोच भी नहीं सकते, वी कांट एवर थिंक. सो स्टूडेंट्स जस्ट लर्न दिस फॉर्मूलेस, लर्न दिस कंपाउंड सो दैट वी कैन इजिली डू इंपेरिकल एंड मॉलिकुलर फॉर्मूला. सो दिस इज ऑल अबाउट द टॉपिक क्वांटिटेटिव एनालिसिस ऑफ कंपाउंड एंड वी हैव टू एस्टिमेट और कैलकुलेट द मास एंड परसेंटेज ऑफ ओनली दीज एलिमेंट्स कार्बन हाइड्रोजन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन सल्फर एंड phosphorus. So that's all, students.